उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे और बेहतर होंगे दोस्तों। तो दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स के लिए वैकेंसी का सॉर्ट नोटिफिकेशन जारी दोस्तों। सैलरी 35,400 मिलेगी, 4,000 प्लस यहाँ पे वैकेंसी निकल के आ चुकी है। सॉर्ट नोटिफिकेशन को भी जारी कर दिया गया है, ठीक है। एज सिलेक्शन फीस कितना लगेगा, कब से इसके फॉर्म अप्लाई होंगे दोस्तों और क्या लास्ट डेट है, सारा आपको मिलने वाला है इन्फॉर्मेशन और डेट भी जारी कर दिया गया है दोस्तों। एग्जाम पैटर्न A to Z इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। बाकी आप जो है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें दोस्तों, अगर इस वैकेंसी के लिए आप सिलेक्शन। दोस्तों सबसे पहले हम शॉर्ट नोटिफिकेशन को देखेंगे जो जारी किया गया है, ठीक है। तो शॉर्ट नोटिस में क्या क्या बताया गया है ये चीज़ को पहले देख लेंगे। देख सकते हैं इसमें नंबर्स दिए गए हैं 2023 सेकेंड कैंडिडेट जो यहाँ पे नंबर दे रखे हैं। कैंडिडेट माई प्लीज नॉट द ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की तरफ से कुछ अभी जो है रीजन है, नोटिस ऑफ सम इंस्पेक्टर्स इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2023 के लिए वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है। तो विल बी पब्लिश, यानी कि कब इसको जो है प्रकाशित किया जाएगा या जारी किया जाएगा या रिलीज किया जाएगा नोटिफिकेशन। तो देख सकते हैं 22/7/2023 को ऑन द वेबसाइट ऑफ द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कि ये जो जारी किया जाएगा वो SSC की तरफ से इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और इस SSC के थ्रू ही इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। तो एडवाइस टू कीप क्लोज वॉच ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। तो आप जो है 22/7/2023 को विजिट कर सकते हैं SSC.NIC.IN की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसमें आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी सब इंस्पेक्टर सिन दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स की, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोटिफिकेशन से आज ही रिलीज किया गया है। बाकी चलो जानते हैं क्या इसमें मांगा जाएगा, क्या क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, कितने एग्जाम्स होंगे और कैसे आपको इसमें पास करना दोस्तों वैकेंसी। दोस्तों सबसे पहले हम SSC SPO रिक्रूटमेंट 2023 के थ्रू ये वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि CPO सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, ठीक है। अभी जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, बट 22 तारीख को इसका लॉन्ग नोटिफिकेशन भी आने वाला दोस्तों, ठीक है। तो SSC दिल्ली पुलिस द्वारा सब इंस्पेक्टर्स एक्चुकेटिंग और सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर्स यानी कि GD के पदों हेतु नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है। तो SSC CPO भर्ती 2023 के लिए आवेदन करने वाले कौन से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और किस तिथि से अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया दोस्तों 22 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन आने वाला है और 22 जुलाई 2023 से इसके आवेदन भी ऑनलाइन स्टार्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। लास्ट डेट की बात करेंगे तो 15 अगस्त 2023 रखी गई है। SSC CPO रिक्रूटमेंट 2023 से बाकी जो भी जुड़ी जानकारी है आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है दोस्तों, ठीक है। देख सकते हैं शॉर्ट नोटिफिकेशंस को मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया दोस्तों। चलिए ओवरव्यू की बात कर लेते हैं क्या क्या इसमें लिया जाएगा। SSC के थ्रू ये वैकेंसी आएगी जिसमें सब इंस्पेक्टर्स और SI आर्मर्ड पुलिस फोर्स की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हैं। SSC SPO एग्जामिनेशन 2023 में इसका एग्जाम भी कम्प्लीट होने का, ठीक है। वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी 22 जुलाई को। इसमें अगर सैलरी की बात करेंगे तो 35,400 और 1,12,400 यहाँ पे लेवल 6 की आपको सैलरी भी मिलेगी। और दोस्तों बात करते हैं ऑल इंडिया वैकेंसी, मेल फीमेल इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज़ आपको काफ़ी इंटरेस्टेड इसमें लगेगी, ठीक है। वैकेंसी देख सकते हैं 15 अगस्त लास्ट डेट रहेगी 2023 और अप्लाई करने का ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा। SSC CPO नोटिफिकेशंस आपको 22 जुलाई देखने को मिल जाएगा किस वेबसाइट पे, SSC.NIC.IN की ऑफिशियल वेबसाइट पे दोस्तों। चलिए बात करते हैं एज लिमिट की, एज लिमिट इसमें कितना रहने वाला है। SSC CPO रिक्रूटमेंट 23 के लिए जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एज 20 वर्ष हो गया है और मैक्सिमम 25 वर्ष यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है। अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं आज और आपका एज जो है ओवर हो गया है 2-3 साल 5 साल, और अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो 3 साल प्लस आप एज को कर सकते हैं। इसी थ्रू अगर आप SC ST से हैं तो आप 5 साल प्लस एज को कर सकते हैं, छूट आपको मिलेगी, ठीक है।
बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस की। एसएससी एसपीओ रिक्रूटमेंट 2023 के लिए अगर ओबीसी सामान्य ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 100 रुपये लगेगा, बाकी सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छी वैकेंसी है एससी एसटी महिलाओं के लिए और पुरुष के लिए। बात करेंगे क्वालिफिकेशन। देखिए दोस्तों, अच्छी लेवल की वैकेंसी है एसपीओ एसआई की और आर्मड पुलिस फोर्स की। दिल्ली पुलिस एसआई के पदों के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस भी होना अनिवार्य है, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रल आर्मड फोर्सेज के लिए वैकेंसी के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त से आपका ग्रेजुएट कंप्लीट होना चाहिए और इसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मांगा गया दोस्तों। सिर्फ दिल्ली पुलिस एसआई वैकेंसी के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है, ग्रेजुएट कंप्लीट होना अनिवार्य है, ठीक है। बाकी जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा आपको अपडेट दे दिया जाएगा। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे दोस्तों, कितने चरण में आपका चयन प्रक्रिया कंप्लीट होने वाली है। तो सबसे पहले आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा, फिर आपका फर्स्ट एग्ज़ाम लिया जाएगा जो कंप्यूटर बेस पे आपका होगा, ठीक है। सीबीटी रिटर्न एग्ज़ाम होगा, फिजिकल होगा, फिजिकल एजुकेशन जो ट्रेनिंग होती है, फिर आपका सेकेंड एग्ज़ाम होगा सीबीटी, वो भी कंप्यूटर बेस पे ही होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा। ये 4 से 5 चरण में आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो कम्प्लीट होने वाला है, ठीक है। दोस्तों अब बात करेंगे अप्लाई कैसे करना है, महत्वपूर्ण पॉइंट, ठीक है। 22 जुलाई को ये वैकेंसी आने वाली है, तो 22 जुलाई से आप अप्लाई कर सकते हैं और 15 अगस्त तक यहाँ पे वैकेंसी चलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, ssc.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट पे 22 जुलाई से आवेदन स्टार्ट कर दिए जाएंगे दोस्तों। तो आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पर विजिट करना है और अप्लाई के ऑप्शन पर जाके आपको ये फॉर्म दिल्ली पुलिस एसआई की वैकेंसी के लिए और सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना, ठीक है। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे आपको सारे अपडेट गवर्नमेंट से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड मिलेंगे दोस्तों इस चैनल पर। चलिए बात करते हैं, आप सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।